आधुनिक युग की इस आधुनिकता में हम अक्सर अपनी सभ्यताओं और संस्कृतियों को करीब से महसूस नहीं कर पाते हैं। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत सी सभ्यताओं और संस्कृतियों को समेटे हुए है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन मंदिर और खूबसूरत जलधाराएं छत्तीसगढ़ की गोद में समाई हुई हैं। ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य और पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव मंदिर, जो कि अपनी नागर शैली और संरचना के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ स्वयं श्री शंभु विराजमान है। तो आइए चलते हैं प्रकृति के और नज़दीक, इस मंदिर को और करीब से जानते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को और करीब से महसूस करते हैं। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कबीरधाम से 18 किलोमीटर की दूरी पर तथा राजधानी रायपुर से 125 किलोमीटर की दूरी पर चौरा गांव में स्थित है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था और ऐसा कहा जाता है, गोंड राजाओं के देवता भोरमदेव थे एवं वे भगवान शिव के उपासक थे। भोरमदेव शिव जी का ही एक नाम है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम भोरमदेव पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी बाहरी दीवारों में जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें लगभग 54 मूर्तियां कामसूत्र के आसन के अनुसार बनी हैं। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है। मंदिर नागर शैली का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मंदिर में तीनों ओर से प्रवेश किया जा सकता है। यह मंदिर 5 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर बनाया गया है। तीनों प्रवेश द्वारों से सीधे मंदिर के मंडप में प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में अनेक मूर्तियां रखी है तथा इन सब के बीच एक काले पत्थर से बना शिवलिंग भी स्थापित है। यह मंदिर अपनी मूर्ति कला और संरचना के लिए विश्व प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। बहुत खूबसूरत तरीके से यह मंदिर अपने आप में हमारी सभ्यता और संस्कृति को समेटे हुए है। भोरमदेव मंदिर से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम दिशा में स्थित है मड़वा महल। मड़वा महल ये भी शंकर भगवान का ही मंदिर है। यहाँ भी शिव शंकर स्वयं विराजमान है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में 16 खंभे स्थापित हैं। इन 16 खंभों को कहा जाता है कि जैसे शंकर भगवान के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है, 16 श्रृंगार होते हैं, उस आधार पर इन खंभों का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह के द्वार में गणेश भगवान जी की एक मूर्ति है, जो कि दक्षिण मुखी मूर्ति है। नीचे में आप देखें तो वहाँ पे इच्छाधारी नाग बने हुए हैं, जिनके मस्तक पे मणि लगी हुई है। गर्भगृह के द्वार में एक दोषमुक्त कलश है। इस कलश के बारे में मान्यता है कि यदि आप अपने दोनों पैर एक साथ गर्भगृह के द्वार में रखकर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपके सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी में किया गया था और इस मंदिर में भी भोरमदेव की मंदिर की तरह बहुत ही खूबसूरत तरीके से मूर्तियों को उकेरा गया है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा और कलचुरी वंश की राजकुमारी की विवाह के उपरांत किया गया था, उनके विवाह की याद में। ऐसा कहा जाता है कि भोरमदेव का मंदिर और मड़वा महल राजकुमारों को, बच्चों को, क्योंकि उस समय बच्चों की बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तो उन्हें सेक्स एजुकेशन देने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ताकि वह यहाँ आए और इन सब चीज़ों को सीखे। इसलिए आपने देखा होगा कि भोरमदेव मंदिर में और यहाँ कामसूत्र से जुड़े बहुत सारी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। भोरमदेव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में बहुत ही खूबसूरत एक जलधारा है, रानी देहरा। मैकल पर्वत श्रृंखला से निकलती एक जलधारा जो कि यहाँ आकर बहुत ही खूबसूरत झरने का रूप ले लेती है। पानी के कलकल की आवाज़ और प्राकृतिक दृश्य इस जगह आकर आपके सफर की सारी थकावट दूर हो जाती है। अपनी सभ्यता को करीब से महसूस करने का अनुभव और प्रकृति की ये शांति आपको खुद के और करीब लेकर आती है और यहाँ से शुरू होता है आपके जीवन का एक नया सफ़र।